पंजाब विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को अपनी अब तक की सबसे बुरी चुनावी हार के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता हार के कारणों और आगे की राह का विश्लेषण करने के लिए आज पहली बार बैठक करेंगे। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल लालाबाद सीट से भी हार गए थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है। आज बार के पंजाब के मुख्यमंत्री और पार्टी के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल भी बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों में शियत का प्रदर्शन 2017 में 15 सीटों से गिरकर 20 फरवरी को हुए चुनावों में 3 हो गया। पार्टी को मिले कुल वोटों में भी 32% की गिरावट आई है। 2017 में इसे 25.4% वोट मिले, जबकि हाल के चुनावों में इसे 18.5% वोट मिले, जिससे पार्टी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। पार्टी ने मालवा, दोआब और माझा बेल्ट में एक एक सीट जीती और गठबंधन सहयोगी बहुजन समाज पार्टी, जिसने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोआबा में केवल एक सीट जीत सकी। शियत ने कुल 117 सदस्यीय राज्य विधानसभा में से 97 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पंजाब में 3/4 बहुमत से अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की थी।